नमस्कार दोस्तों, बी टाउन अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के परफेक्शन आमिर खान सर की आने वाली फिल्म गजनी 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वैसे तो आमिर खान सर अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी फिल्में लेके आने वाले हैं। उनकी लास्ट फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा खासा बिजनेस कर नहीं पाई, लेकिन वो अपने फैंस के लिए 2 साल बाद जबरदस्त फिल्म लेके आने वाले हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गजनी 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप भी अगर आमिर खान सर के ट्रू फैन है तो इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा देखना, और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। दोस्तों बॉलीवुड की पहली जो फिल्म थी 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली वो फिल्म थी गजनी। जी हाँ दोस्तों, गजनी फिल्म के अंदर उन्होंने एक शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस वाले आदमी का रोल किया था। उसके बाद दोस्तों वो फिल्म का जो कंटेंट दर्शकों को बहुत ही पसंद आया था, डायलॉग और सॉन्ग सुपर हिट साबित हुए थे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आमिर खान सर की जो फिल्म आने वाली है उस फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा, और इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं अद्वैत चंदन, और इस फिल्म को म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। 200 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया जाएगा। स्टारकास्ट की बात करें तो इस फिल्म के अंदर हमें आमिर खान और करीना कपूर देखने को मिलेंगे। वही दोस्तों लाल सिंह चड्ढा फिल्म के अंदर आमिर खान एक लाल सिंह चड्ढा का रोल करते नजर आएंगे, वहीं दोस्तों करीना कपूर उनकी वाइफ का रोल करती नजर आएगी। इस फिल्म के अंदर आमिर खान और करीना कपूर के अलावा मोना सिंह और विजय सेतुपति जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिलेंगे। और ये फिल्म पहले क्रिसमस 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन COVID-19 और लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई, और इस फिल्म की शूटिंग विदेश में होने वाली थी, और अभी उस फिल्म की शूटिंग इस्तांबुल तुर्की में हो रही है। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहेगी, और इस फिल्म के अंदर आमिर खान हाफ माइंडेड आदमी का रोल करते नजर आएंगे, जिस तरह से पीके में किया था और गजनी फिल्म में किया था, कुछ इस तरह से मिलता जुलता रोल रहने वाला है। ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज होने वाली है, हिंदी तमिल और तेलुगु, और रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म दंगल का रिकॉर्ड तोड़ेगी और बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन सकती है। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले उस फिल्म का नाम है गजनी 2। गजनी फिल्म 2008 में आई थी। ये एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया था AR मुर्गुदास ने, और इस फिल्म के अंदर लीड रोल में आमिर खान, असिन, जिया खान, प्रदीप रावत जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिले थे, और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था AR रहमान ने, और इस फिल्म के अंदर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का रोल किया था आमिर खान ने, संजय सिंघानिया का, जिनका एक्सीडेंट होने के बाद उनका शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है, और इस फिल्म का कंटेंट दर्शकों को बहुत ही पसंद आया था। 45 करोड़ के बजट में बना इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में 100 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया था, और ये फिल्म के दर्शक को डायलॉग और सॉन्ग बहुत ही पसंद आए थे। उस फिल्म के सक्सेस के बाद 12 साल बाद अब गजनी 2 फिल्म बनाने जा रहे हैं मेकर्स। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्शन कोई और डायरेक्टर करने वाले। स्टारकास्ट की बात करें तो इस फिल्म के अंदर हमें आमिर खान सर देखने को मिलेंगे, वहीं लीड एक्ट्रेस फाइनल नहीं हुई। बजट की बात करें तो 100 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया जाएगा, और रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म रिलीज 2022 के क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ होगी। और दोस्तों आप लाल सिंह चड्ढा और गजनी 2 ये दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।